नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है टाटा मोटर्स की 410/36 स्टाफ बस। ये 24 सीटर की एक बस है। सबसे पहले बात करेंगे इस बस के फ्रंट डिज़ाइन की, तो इस गाड़ी में आपको मार्को पोलो का नेक्स्ट जनरेशन लुक मिल रहा है और इस बस की मैन्युफैक्चरिंग होती है धारावाड़ में। इस गाड़ी के इंजन की बात कर ले तो इसमें आपको मिलता है 100 HP का इंजन जो 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। काफ़ी फेमस चेसिस है जिस पर ये बसेस बनती है। फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं इंडिकेटर के साथ। यहाँ पर फॉग लैम्प के लिए स्पेसिंग है। यहाँ पर टाटा मोटर्स का लोगो है, मार्को पोलो का लोगो है। और अपर साइड में आपको दो हाइट मार्कर लैम्प मिलते हैं। यहाँ पर क्रॉस टाइप में वाइपर्स दिए गए हैं। यहाँ पर दो मिरर्स है। यहाँ पर साथ ही साथ प्रॉक्सिमिटी मिरर भी आपको मिलता है। इसके अलावा साइड लुक इस प्रकार दिखता है इसका। यहाँ पर थोड़ी जगह कम, इसके लिए हम थोड़ा रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ से कुछ भी निकल सकता है, तो हम थोड़ा सावधानी से कर रहे हैं यहाँ पर काम। ये डर मुझे अच्छा लगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर साइड इंडिकेटर है और यहाँ पर इसका एयर फिल्टर लोकेशन है। यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी ग्लास है। यहाँ पर बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो आपको मिलता है। ये देखिए इसके टायर्स, इसके टायर साइज की अगर हम बात कर ले तो इसमें आपको मिलता है 126/124 14 प्लाई रेटिंग के। यहाँ पर इसका साइड डोर, स्टारबस की शानदार ग्राफिक्स मिलती है। और यह है इसका रियर एक्सल। रियर एक्सल पर आपको दिए गए हैं लिप्स एंड सस्पेंशन। यहाँ पर डबल टायर मिलता है। और यह है इसका रियर साइड लुक। चलो अंदर चल के देखते हैं इसके। थोड़ी बारिश भी शुरू है यार, सॉरी इसके लिए, बट गाड़ी आपको दिखाना बनता है यार। ये गाड़ी काफ़ी यूनिक है यार, मिलती नहीं आसानी से। अंदर चलते हैं। गाड़ियाँ स्टॉकेड में खड़ी है तो थोड़ा तो आपको आइडिया आ चुका होगा। तो अंदर से देखिए इस प्रकार दिखती है। इसमें आपको 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिए गए हैं वाइपर के कंट्रोल, और साथ ही साथ यहाँ पर आप इसकी मदद से वाइपर का स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आप इसमें INT मोड पे डालते हो तब आप इसकी मदद से साथ वाइपर की स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इस बस में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। ये खासकर आयशर की बसेस में भी आता है, टाटा की बसेस में भी आपको मिलने लगा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए ऐसे करोगे तो पास लाइट है, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर। ये देखिए वोल्वो स्टाइल में आपको यहाँ पर नॉब मिलता है। ये जो नॉब है ना, खासकर वोल्वो की बसेस में बहुत कॉमन है। यहाँ पर इसका क्लच फ्लूइड का रिजर्वायर है। अभी मार्को पोलो की बसेस में ऐसा आता है। आप चूज कर सकते हैं इसमें आपको मार्को पोलो बॉडी चाहिए या एसी बॉडी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर हजार्ड लैम्प का स्विच है। यहाँ पर बैटरी कट ऑफ स्विच है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट का बटन है। यहाँ पर OBD कनेक्टर है, आप देख सकते हैं OBD कनेक्टर का पोर्ट, और इसके ऊपर एक कवर है छोटा सा। यहाँ पर 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पेसिंग दी गई है। यहाँ पर रीजनरेशन ऑन करने का बटन है। यहाँ पर रीजनरेशन ऑफ करने का बटन। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, जिसे आप सिगरेट लाइटर पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर फ्रंट डोर ओपन और इमरजेंसी डोर ओपन की वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पर मिलती है। अगर सोचो ये दरवाज़ा या इमरजेंसी गेट अगर खुलता है गलती से भी चलते वक्त, तो ये बजर बजता है जिसकी वजह से आप अलर्ट हो सकते हो और अंदर बैठे लोगों की सुरक्षा भी इससे बनी रहती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एग्जॉस्ट ब्रेक का बटन है। यहाँ पर फैन का कंट्रोल है। यहाँ पर लाइट का कंट्रोल है। यहाँ पर सर्विस लैम्प का बटन है। और यहाँ पर इंटीरियर डोम लाइट का बटन है। अभी देखिए मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसे ऑन कर दिया। ये देखिए ये इनसाइड ट्यूबलाइट इस प्रकार जलती है। कैबिन सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सनोतर मिलता है। यहाँ पर एक मिरर मिलता है, वाइड एंगल मिरर। और यहाँ पर इनवेल कंपनी का आपको एक फ़ैन दिया गया है, DC फैन। यहाँ पर गाड़ी की डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है ये 7000 किलोग्राम्स का है। और इस गाड़ी की जो सीटिंग कैपेसिटी है 24 सीटर की है। इसका मॉडल नेम जो है ये 410/36 है, LP। यहाँ पर है फायर सप्रेशन सिस्टम का कंट्रोल। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं क्योंकि बसेस में फायर एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी सब कंपनियाँ फायर सप्रेशन सिस्टम कॉमन दे रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर दो साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्पीकर के लिए स्पेसिंग दी गई है। यहाँ पर एक, दो, तीन, ऐसे तीन अपर साइड में ग्लो बॉक्स मिलते हैं आपको। अपर साइड में दो लाइट्स दिए गए हैं। यहाँ पर इमरजेंसी लैम्प है। कोई इमरजेंसी बटन दबाता है तो ये लाइट चलने लगता है। इसी के साथ साथ फ्रंट विंडशील्ड आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा विंडशील्ड मिलता है। और इसमें आपको क्रॉस टाइप में वाइपर्स मिलते हैं। देखिए वाओ, पूरा ग्लास तो नहीं पर 60% ग्लास तो एक क्लीन कर देता है। यहाँ पर एक सीट मिलता है आपको। यहाँ पर दो इमरजेंसी हैमर है। यहाँ पर डोर दिया गया है। यहाँ पर दो स्टेप्स मिलती हैं। इसी के साथ साथ सीटिंग लेआउट की बात करें तो हम सबसे पहले सीट्स गिन लेते हैं। आप गिनिए, रियर साइड में आपको 5 मिलते हैं। यहाँ पर 2-7, 2-9, 2-11, 2-13, 15, 17, 19, 22 और एक 24, और एक को ड्राइवर का मिलाकर 25, मतलब 25 लोग इसमें आराम से सफ़र कर सकते हैं। पर लीगल पासिंग इसकी 24 सीटर की है। फ्लोरिंग की बात कर ले तो इसमें आपको मिलती है एंटी स्किड विनाइल फ्लोरिंग। सीट्स के नीचे भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेसिंग है।
अच्छा खासा छोटा सा कंफर्ट है। स्टाफ बस मतलब ज़्यादा तो 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक चलती है, ज़्यादा चलती नहीं है, तो इसकी वजह से आपको इसमें बेसिक सा कंफर्ट मिलता है। और अपर साइड में आप देख सकते हैं हेडरैक में ये ग्रिल टाइप में दिया है, यहाँ से थोड़ा सामान कुछ फ़ोन वगैरह नीचे गिरने का खतरा है, यहाँ से अगर देखिए तो फ़ोन नहीं बैठता है, तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेसिंग इसमें दिया गया है, मतलब गिरेगा नहीं। बट अगर ये प्लेन होता तो और अच्छा होता, पर साफ सफाई के हिसाब से, क्योंकि गाड़ियों में पैसेंजर्स कंटिन्यू चढ़ते रहते हैं, तो उनकी वजह से इसे मेंटेन रखना भी काफ़ी आसान है। इसी के साथ साथ अपर साइड में ग्रैब हैंडल मिलता है, रियर साइड में यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है, यहाँ पर इसमें टूल बॉक्स मिलता है, अभी ये लॉक है। रियर साइड में भाई रियर साइड लुक आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि ये स्टॉक है, तो थोड़ा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसे सांप वगैरह कुछ बिच्छू वगैरह हो गया तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, इसकी वजह से मैं ज़्यादा पीछे नहीं गया। बट आपको रियर लुक पता है यार, टाटा मार्को पोलो सीरीज़ का कॉमन ही है। और यहाँ पर रियर साइड में दो आपको स्पीकर के लिए स्पेसिंग मिलता है, यहाँ पर इमरजेंसी हेल्प बटन है, यहाँ पर इमरजेंसी हैमर है, साइड में आपको टफन ग्लास मिलते हैं, और फ्रंट साइड में लैमिनेटेड विंडस्क्रीन मिलता है। इसी के साथ साथ हर सीट के ऊपर आपको यहाँ पर इमरजेंसी बटन मिलता है। बस की जो प्राइसिंग है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक इमरजेंसी फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, यहाँ पर सीट बेल्ट मिलता है, और टाटा मोटर्स सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ये आप सब लोग जानते हैं। फ्रंट सीट में आपको यहाँ पर सीट बेल्ट मिलता है, सब सीट्स को नहीं है बट यहाँ पर इस सीट को दिया गया है, क्योंकि ये इमरजेंसी एग्जिट वाला जो सीट होता है उसको थोड़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट होती है कंपनी तरफ से। यहाँ पर एक जैक मिलता है आपको। तो भाई साहब ये थी टाटा मोटर्स की 410/36 स्टाफ बस। तो दोस्तों अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।